चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ प्रोनाउन्स। विल स्टार्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव जब सब्जेक्ट एक एक्शन करता है किसी और के लिए नहीं, जब सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने की बात आती है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन किया। नॉर्मली सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट के लिए करता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो होगा बट कोई और नहीं, सब्जेक्ट खुद होगा। जैसे मैं हूँ, आई, मैंने कोई भी बीच में एक्शन किया, मैं उसको नॉर्मली वर्ब लिख रही हूँ एक बार के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि आई ने एक्शन किया। वो एक्शन किसी के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया। किसके लिए? माई सेल्फ, मतलब डूअर भी मैं और रिसीवर भी मैं ही खुद। करेक्ट? तो इसमें सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ से एक और चीज समझ आती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि शी टुक, अब शी क्या है? सब्जेक्ट है, वो लेके गई, ये हो गया हमारा वर्ब। अब लेके किसको गई? हरसेल्फ, खुद को। कहाँ? टू द हॉस्पिटल, ठीक है। शी टुक हरसेल्फ टू द हॉस्पिटल, मतलब शी ने ले जाने का एक्शन जो है, जो वर्ब किया, वो किसके और के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया, हर सेल्फ के लिए। तो ये हर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें एग्जाम में बहुत बार आता भी है, डैश देके करेक्ट प्रोनाउन फिल करना होता है। तो वहां पे हम जैसे भी यूपी सैनिक का क्वेश्चन कर रहे थे, हम यूपी सैनिक का पेपर कर रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने क्वेश्चन देके हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली फिल करने को दिया था। सब्जेक्ट में शी था तो उसका हर सेल्फ ही आना था ऑफकोर्स, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन में देमसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ ये भी दे रखे थे, करेक्ट। और वैसे बता दो, यूपी सैनिक की प्रिपरेशन चल रही है, आप में से कोई है जो यूपी सैनिक की तैयारी कर रहा है? अगर है तो प्लीज बताइए मुझे, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले गिटार। अब आई ने, यानी कि मैंने सिखाया किसको? खुद, माई सेल्फ, अपने आप को, मतलब सिखाने का एक्शन मैंने किसी और के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया। क्या? टू प्ले गिटार। यू नो योर सेल्फ, तुम जानते हो। जानने का एक्शन किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। सब्जेक्ट ने एक्शन सेल्फ के लिए किया, तो यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स। अब इसी के कॉन्ट्रारी एक और होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब नाउन अपनी ही बात पे स्ट्रेस डाल के कोई यूज कर, बात वर्ड को यूज करके बोलता है। जैसे आई माई सेल्फ कैन कुक द फूड, कि मैं खाना बनाऊंगी किसके लिए? खुद के लिए, मैं खुद अपने लिए खाना बना सकती हूँ। आई अपनी बात पे स्ट्रेस डाल के आगे बात कर रहा है, तो हम क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे जब नाउन अपनी बात पे स्ट्रेस डाल के बात करे। जैसे मोहन हिमसेल्फ कैन कंप्लीट हिज वर्क, मोहन खुद अपना काम कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। या यू योरसेल्फ कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो, तुम खुद ये कर सकते हो। तो ये क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है यूज इमिजिएटली आफ्टर नाउन, नाउन के, नाउन या प्रोनाउन के इमिजिएटली आफ्टर यूज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम्फेटिक है, एम्फेटिक माने एम्फेसाइज करना। जब नाउन अपनी ही बात पे स्ट्रेस डालने के लिए जो प्रोनाउन यूज करे, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ड सेट जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का, दोनों का बिल्कुल सेम होता है। कैसे? आई वर्क With myself, अगर सब्जेक्ट I है तो ऑब्जेक्ट में माई सेल्फ आ जाए। और अगर हम एम्फेटिक की बात करें तो आई माई सेल्फ कैन डू दिस, मैं खुद ही अपने आप कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। तो आई के साथ माई सेल्फ लगेगा, यू के साथ योर सेल्फ, अगर यू सिंगुलर है, अगर यू प्लूरल है देन योर सेल्फ, ठीक है। ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ, वी आर सेल्फ। यहाँ पे देम गलत लग गया, एक्चुअली यहाँ दे होना था, दे देमसेल्फ, ठीक है। क्लियर है बच्चे? जैसे कि चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं लास्ट एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। आई क्राइड myself टू स्लीप लास्ट नाइट, मैंने क्राई किया किसके लिए? खुद के लिए कर रही थी, ठीक है, ठीक है। या आई whistle टू myself टू calm डाउन,
मैंने खुद के लिए क्या है विसल किया, मैंने विसल किया किसके लिए, खुद के लिए। ये बीच में आते हैं, शी बॉट हरसेल्फ न्यू पर्स फॉर हर न्यू जॉब। अब शी ने बॉट किया, कुछ खरीदा किसके लिए, खुद के लिए। एक्शन किसके लिए हुआ, खुद के लिए, तो शी के लिए लगा दिया हरसेल्फ। नेक्स्ट देखो, पुल योरसेल्फ टुगेदर, ज्यादा जरूरी है तो पुल योरसेल्फ टुगेदर, ग्रैंडमा विल बी अराइविंग एनी टाइम। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम बात को क्या है, सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, और जब नाउन अपनी ही बात पे स्ट्रेस डाल के बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इज इट क्लियर? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट